सो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 32 कैरेक्टर्स की लीक वाली वीडियो में उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया था जो कि टेकरेट में ऑफिशियली फाइनल रोस्टर के तौर पे ऐड होने वाले हैं। बट वीडियो देखने के बाद काफी सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे थे कि क्या टेकरेट में आर्मर किंग, ली बुलोंग, एना, एडी, ओगर, एलिजा, गीस हावर्ड, मिगेल, बॉब एंड अकुमा जैसे कैरेक्टर्स नहीं होने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा कि क्या टेकनेट में इन्हें रिमूव कर दिया है, ये अपीयर नहीं होने वाले, ये अपीयर हो सकते हैं तो कैसे। और हाँ, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अकुमा के बारे में क्योंकि वो भी टेकनेट में नहीं होने वाला। तो फिर चलो शुरू करते हैं, जल्दी से लाइक कर दो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना क्योंकि इस वीडियो से इसका बहुत कनेक्शन है, वीडियो ऊपर फ्लैश हो रही होगी, देख लो। तो सबसे पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि टेकनेट में टोटल 32 कैरेक्टर्स होने वाले हैं जो कि गेम के साथ रिलीज होंगे और 32 कैरेक्टर्स का ये रोस्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है क्योंकि अगर हम स्ट्रीट फाइटर 6 को देखें तो उसमें 16 कैरेक्टर्स के साथ ही गेम रिलीज हुआ था जबकि टेकनेट के तो बीटा में ही 18 कैरेक्टर्स के साथ प्ले करने का मौका दिया गया। और टेकनेट के गेम डायरेक्टर ने इसी ईयर के स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि टेकनेट में स्ट्रीट फाइटर 6 से बहुत ही बड़ा कैरेक्टर्स रोस्टर होने वाला है, मतलब कि स्ट्रीट फाइटर 6 से ज्यादा कैरेक्टर्स टेकनेट में होने वाले हैं जो कि इसके फर्स्ट डेमो से ही पता चल गया था। और अगर टेकनेट के रिलीज के साथ 32 कैरेक्टर्स हैं तो यही सोच के देखो टेकनेट में सीजन और डीएलसी मिला के कितने ज्यादा और कैरेक्टर्स रिवील होंगे। और अगर इसके प्रीवियस गेम टेकन 7 के टोटल कैरेक्टर्स को देखें तो टेकन 7 में डीएलसी सीजन सबके कैरेक्टर्स मिलाकर टेकन 7 में टोटल 52 कैरेक्टर्स थे जो कि स्ट्रीट फाइटर 5 और मॉर्टल कॉम्बैट 11 से बहुत ही ज्यादा थे। सो इसलिए ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि टेकनेट में टेकन 7 तो क्या बल्कि स्ट्रीट फाइटर 6 और मॉर्टल कॉम्बैट 1 से इवन सभी फाइटिंग गेम से भी ज्यादा कैरेक्टर्स होने वाले हैं। इसलिए अगर तुम इस लीक में आर्मर किंग, ली वोलोंग, एडी, एना, ओगर, एलिजा या मिगेल जैसे कैरेक्टर देखने को नहीं मिले तो इसके ज्यादा चांसेस है कि ये कैरेक्टर्स टेकनेट के डीएलसी या सीजन में अपीयर हो सकते हैं। और अगर वहीं बात करें टेकन सीरीज के ओल्ड कैरेक्टर्स के रिटर्निंग की जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी टेकनेट में रिटर्न आएंगे, जैसे कि जून रिटर्न आई है, तो इस लिस्ट में आते हैं ओगर, गॉन, एलेक्स, अननोन, डॉक्टर बी, बेक और मोकुजिन जैसे कैरेक्टर्स। सो ये कैरेक्टर्स भी हमें लीक में देखने को नहीं मिले और मैंने तुम्हें ओगर, अननोन जैसे कैरेक्टर्स के बारे में ये बात पहले बताई थी कि मे बी ये कैरेक्टर्स टेकनेट में अपीयर हो सकते हैं और वो भी टेकनेट की मेन स्टोरी मोड में, जो कि मैं रॉन्ग निकला। बट ऐसा भी नहीं है कि इनका कनेक्शन मेन स्टोरी मोड से नहीं होगा, मतलब कि जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो कुछ आर्टिकल से मुझे ये पता चला कि टेकनेट में एक या दो सीजन ऐसे होंगे जिनमें टेकन सीरीज के ओल्ड लेजेंडरी कैरेक्टर्स को इस सीजन में ऐड किया जाएगा। और हमें पता है कि सभी कैरेक्टर्स टेकनेट की मेन स्टोरी मोड में अपीयर नहीं हो पाते, इसलिए उनकी भी एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की जाती है जिन्हें हम बायो भी कहते हैं। सो इन्हीं बायोस के थ्रू या अगर टेकनेट में भी कैरेक्टर्स का स्टोरी चैप्टर होगा तो उसमें हमें ओगर या अननोन जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरी बताई जाएगी जो सीधे टेकनेट की मेन स्टोरी से कनेक्ट करेगी और हम कैरेक्टर के गेम प्ले और स्टोरी दोनों से ही काफी अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद चलो बात करते हैं टेकनेट के गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। तो टेकन 7 में बस 4 ही गेस्ट कैरेक्टर्स थे, गीस हावर्ड, नॉक्टिस, नेगान और अकुमा। सो टेकनेट के गेस्ट कैरेक्टर में गीस हावर्ड, नॉक्टिस और नेगान को तो भूल ही जाओ, ये कैरेक्टर्स टेकनेट में वापस नहीं आने वाले क्योंकि इन्हें बस अट्रैक्शन या सेल्स के लिए ही यूज किया गया था। और अगर मे भी इन कैरेक्टर्स को फिर से टेकनेट में लाया जाए तो वो पावरफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो पहली बार में पड़ा था, इसलिए इसे अच्छा होगा क्रिएटर्स टेकनेट में किसी और न्यू गेस्ट कैरेक्टर को ही ऐड करेंगे। और अब चलो बात करते हैं अकुमा के बारे में। सो अकुमा भी टेकन 7 में एक गेस्ट कैरेक्टर के तौर पर ऐड हुआ था, बट अकुमा का केस गीस हावर्ड, नॉक्टिस या नेगान जैसा नहीं है क्योंकि अकुमा अपीयर तो हुआ था गेस्ट कैरेक्टर के तौर पे, बट वो टेकन 7 की मेन स्टोरी मोड में अपीयर हुआ था और वो भी टेकन सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हियाची और काजुया से राइवलरी कर रहा था, इसलिए हमने तो पहले ही सोच के रखा था कि अकुमा तो होगा ही होगा टेकनेट में क्योंकि टेकन 7 की एंडिंग ही अकुमा से हुई थी। काजुया हियाची को मारने के बाद उसे वॉल्केन में फेंक देता है एंड तभी अकुमा काजुया को मारने के लिए आता है क्योंकि उसने काजुया की मदर काजुमी से वादा किया था कि वो हियाची और काजुया को मारेगा, जिसमें हियाची मर चुका है। और टेकन 7 के एंड में अकुमा और काजुया में फाइट हो रही थी और तभी गेम एंड हो जाता है। सो ऑफ कोर्स जहां से गेम एंड होता है
वही से ना उसका लेटेस्ट गेम यह स्टोरी कंटिन्यू होगी। बट कंफ्यूज करके रख दिया है इस 32 कैरेक्टर्स के लीक वाले इमेज ने, क्योंकि इसमें अकुमा था ही नहीं। और अगर टेकन 8 में अकुमा नहीं होने वाला तो फिर टेकन 7 में जो हुआ उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे छुपाएंगे। तो अब चलो बात करते हैं प्रिडिक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तुम्हें हराडा का आईजीएन के साथ इंटरव्यू याद होगा, उसमें उन्होंने बताया था कि टेकन 8 की स्टोरी टेकन 7 के 6 महीने बाद स्टार्ट होती है। सो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये जो 6 मंथ का गैप था इसमें अकुमा और काजुया की फाइट चल रही थी जो हमें नहीं दिखाई जाएगी। इसलिए अगर टेकन 8 की स्टोरी टेकन 7 के 6 महीने बाद स्टार्ट होती है तो अकुमा और काजुया के चैप्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन नंबर 2, इस फाइट में काजुया ने अकुमा को डिफीट कर दिया होगा क्योंकि उस टाइम काजुया अपने ट्रू फॉर्म में था, इसलिए हो सकता है काजुया इस बैटल में विनर होगा। और अगर काजुया ने अकुमा को डिफीट कर दिया होगा तो फिर इसके आगे इनकी राइवलरी को दिखाने की जरूरत ही क्या है। या फिर अगर मान के चले कि अकुमा इस फाइट में अपने यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो इससे ज्यादा चांसेस है कि बैटल में अकुमा ही विनर होगा। बट अकुमा के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब उसे लगा कि उसने हियाची और काजुया को मार दिया है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि टेकन 8 में अकुमा ने यूनिफॉर्म में काजुया को डिफीट कर दिया हो और हमेशा के जैसे उसे लगा हो कि उसने काजुया को खत्म कर दिया है, उसका काम हो गया है, जिसके बाद अकुमा भी टेकन सीरीज से चला गया हो। बट इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि अगर अकुमा काजुया को डिफीट करने के बाद वहां से चला गया था तो काजुया अकुमा से बचने के लिए छुप कर रहता, अपनी डेथ को छुपाता, जैसे हियाची ने टेकन 7 में किया था। बट काजुया तो वर्ल्ड पर अटैक कर रहा है, पूरी दुनिया उसे देख रही होगी, लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा और ये सब होते अकुमा को पता चल जाएगा कि काजुया अभी भी जिंदा है तो फिर से अकुमा काजुया को मारने के लिए आएगा। इसीलिए इन्हीं सब के चलते इस थ्योरी के होने के चांसेस काफी कम है। या फिर ये भी हो सकता है कि अकुमा टेकन 8 में अपीयर हो बट बस थोड़ी देर के लिए, मतलब कि टेकन 8 में ये बैटल कंटिन्यू होगी और हमें कटसीन में ही देखने को मिले और इस बैटल के होने के बाद अकुमा दिखे ही ना। या फिर एकदम अलग सोचे तो ये सब टेकन 9 में भी हो सकता है। सो बताने को तो बहुत सारी थ्योरी है मेरे पास, बट कौन सी थ्योरी सही होगी कौन सी गलत होगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है। बट सच्चाई यही है कि टेकन 8 में अकुमा प्लेबल कैरेक्टर नहीं होने वाला, मे बी हमें फ्लैशबैक में अकुमा देखने को मिले वो भी कटसीन के थ्रू, या फिर बस इवो प्लेयर्स के लिए अकुमा को फिर से वापस लाया जाए किसी डीएलसी या सीजन में, और वो भी इसकी स्टोरी गेम से कनेक्ट ना हो या दिखाई ना जाए। और इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे नजर आता है कि क्रिएटर्स टेकन 8 में जिन वर्सेस काजुया पर ज्यादा फोकस देना चाहते होंगे इसलिए उन्होंने अकुमा को रिमूव कर दिया, क्योंकि अकुमा का हमें पता है अगर वो अपने यूनिफॉर्म में काजुया से फाइट करेगा तो काजुया का जीत पाना बहुत मुश्किल है। और अगर काजुया को अकुमा से डिफीट होता दिखाया गया तो काजुया की भी वो इवल एंटागोनिस्ट वाली इमेज पर फर्क पड़ेगा, वो बैडेस वाली बात नहीं रहेगी। एंड मे भी इसलिए ही अकुमा को टेकन 8 से रिमूव किया है। बट मैं बता दूं कि ये सब मैं लीक और प्रेडिक्शंस के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि अकुमा को रिमूव कर दिया जाए। सो ये सब हमें साफ साफ तभी पता चलेगा जब गेम रिलीज होगा या फिर इसके बारे में हराडा कोई बात करे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेकन 7 में टोटल 52 कैरेक्टर्स थे, तो टेकन 8 में ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रोक्स 60 कैरेक्टर्स का रोस्टर होने वाला है, मतलब कि टेकन 8 में टोटल 60 कैरेक्टर्स होने के चांसेस है। बाकी मुझे बताना कमेंट्स में तुम्हें क्या लगता है टेकन 8 में अकुमा के साथ क्या होगा और किस किस कैरेक्टर को तुम टेकन 8 में देखना चाहोगे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस फिर मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।